वार्ता 139। स्वामीनारायण हरे। चैत्रवत चौथने रोज कणबीनी 24 गामनी नातना हरिभक्तो आववा मांड्या। साथे मंडळीओ झांज मृदंग वगाड़े, कीर्तन बोले। कोई आज सखी आनंदनी हेली तो कोई लटकाळो लटकंतो आवे। माणकीय चढ़्या रे मोहन वनमाळी, तथा ओरा आओ मारा लेरखड़ा लेरी। कोई हरक भरा बोले जे राय रे तारा शहर बहु सांकड़ा। मारा हरिवरना हाथीड़ा न माय। वली ऊठ उठ रे भीमकनी नार, तोरणे आव्या जगदाधार। एवा एवा कीर्तन बोले। चौघड़िया वागे, सभा में सौ बैठा होय। संतनी सभा में सौना कंठ में हजारी फूलना हार। महाराज पासे जे दर्शने आवे ते श्रीफल मेवा आदि लावी न मूके। पुराणी अने पुस्तकनी पूजा करी बापाश्रीने हार पहरावे, चंदन चर्चे। तेवा दर्शन थी सौना हृदय में आनंद समाय नहीं। गाम अने सीममा हरिभक्तो उभराता देखाय। ए सर्वेने जमाड़वा सुखड़ीना मोटा ओरडा भरेला तथा सीराना होज करेला। अने खीचड़ी शाक आदि भोजन तैयार करवा तथा पीरसवा घणा हरिभक्तो तत्पर थई रह्या हता। बापाश्री तथा संतो महाराजनी मूर्ति लईने हरिभक्तोए सहित ए पाकशाला में पधारी। ज्यां सुखड़ीना ओरडा भरेला हता त्यां महाराजने पधराव्या। आगळ घीना दीवा कर्या। पछी सौए थाळ बोली महाराज ने जमाड्या अने जलपान करायु। ते वखते बापाश्री बोल्या जे आ सुखड़ी महाराज हेते करीने जम्या छे, तेथी आ प्रसादी जमनारा अपार सुख में पहोंचशे। केम के महाराज तथा आनंदकोटी मुक्त जम्या, एवी प्रसादी क्यांथी मळे। ते वखते साधु देवजीवनदास जी पंखे थी वायु नाखता हता। त्यारे बापाश्री बोल्या जे तमे महाराज ने वायरो नाखो छो। ते बोलता जाओ जे तमे जमो ने ढोळू तो वायरे वारी जाओ वालमजी, एम रमूज करी। पछी थाली में वाटो प्रगटावी बापाश्री तथा स्वामी वृंदावनदास जी, स्वामी ईश्वरचंद्रदास जी तथा स्वामी घनश्यामजीवनदास जी आदि संतोए मळी आरती उतारी। पछी बापाश्री एम बोल्या जे आपणे आवा यज्ञ कारण मूर्ति श्रीजी महाराज ने राजी करवा करीए छीए। तेथी जुओ ने महाराज मंद मंद हसे छे, सौने अमृत नजरे जुए छे। ते वखते नारायणपुरना खीमजीबाईए छड़ी पोकारी सौने राजी कर्या। पछी बापाश्रीए स्वामी आदि संतोने कह्युं जे आ सुखड़ी जे जमशे तेनो अमे आत्यंतिक मोक्ष करी मूर्तिना सुखमां राखशुं। तमो पण सर्वे एवो संकल्प करजो, आपणे कोईने मूकवा नथी। आ सभानो दिव्य भाव आवे एटले काईनुं काई काम थई जाय, अने जो अभाव आवे तो मोक्ष में वांधो आवी जाए। एम कहीने त्यांथी सीराना होज पासे जवा सौ चाल्या। मार्ग में हरिभक्तो कीर्तन बोलता हता। तेथी सर्वे नाना मोटा दर्शन करी राजी थता। पाकशाला में सीरो आदि पाक तैयार करनारा बापाश्री तथा संतों ने आवता जाणी अति हर्षायमान थया, अने पोतपोताना स्थानके उभा रही बापाश्री ने हाथ जोड़ी जय स्वामिनारायण कह्या। त्यारे बापाश्रीए सेवा करनारा हरिभक्तों पर अमृत नजरे अति प्रसन्नता जणावी। पछी शीराना होज भरेला हता त्यां रेशमी चाकड़ाए सहित बाजोठ पर महाराज ने पधराव्या। आगळ घीना दीवा तथा अगरबत्तीना धूप थया। संत तथा हरिभक्तों फरता उभेला त्यां वचमां आसन पाथरी बापाश्री तथा सद्गुरुओने बेसाड्या। संतो अविनाशी आओ रे जमवा कृष्ण हरि, श्री भक्ति धर्म सूत्रे जमाड़ू प्रीत करी ए थाल बोलवा लाग्या। थाल बोली रहा त्यां सुधी बापाश्री ध्यानस्थ बैठा था। ते जागृत थई अति प्रसन्नता जणावी। महाराज ने जलपान कराव्यु। त्यां पण श्रीजी महाराजनी बापाश्री तथा सद्गुरुए आरती उतारी। श्री सहजानंद स्वामी महाराजनी जय बोलावी। त्यां कराचीवाड़ा सोमचंदभाईए छड़ी पुकारी। पछी बापाश्री एम बोल्या जे श्रीजी महाराजे कांकरीए यज्ञ कर्यो ते वखते अति प्रसन्नता जणावी पोते आनंद मुक्तोए सहित थाळ जम्या हता। ते रीते आपणा यज्ञमां आज पण महाराजे घणी प्रसन्नता जणावी छे। आ सीरो सुखड़ी तो सर्वे दिव्य वस्तु थई गई। आ महाप्रसादी जे कोई जमशे तेने वगर साधने महाराजनी मूर्तिनुं सुख मळशे, एम आशीर्वाद दई संतोए सहित मार्गमां हरिभक्तो कीर्तन बोलता आवे। ए रीते बापाश्री मंदिरमां पधार्या। આવી રીતે વૃષપુરમાં બાપાશ્રીની કૃપાથી હજારો સંત હરિભક્તો આત્યંતિક મુક્તિના ભાગ્યવાન બન્યા। સંતોમાં સદ્ગુરુ સ્વામી વૃંદાવનદાસજી, સદ્ગુરુ સ્વામી ઈશ્વરચંદ્રદાસજી તથા સદ્ગુરુ સ્વામી ઘનશ્યામજીવનદાસજી, પુરાણી ધર્મકિશોરદાસજી, હરિપ્રસાદદાસજી, કેશવગીરીદાસજી तथा स्वामी शिवतोयकूटदास जी, स्वामी भगवत स्वरूपदास जी, देवजीवनदास जी, मुक्तवल्लभदास जी आदि तथा अमदावाद, मूळी, वड़ताल, गढ़डा, जूनागढ़ आदि धामों संतो आवेला हता। ते आ यज्ञ में हरिभक्तों सरवरा करवामां, कथावार्ता करी सुख्या करवामां तत्पर होवाथी पापाश्री पण तेमने वारंवार बोलावता, रमूज करी हसावता, प्रशंसा करता, तेथी संतो पोतानुं अहोभाग्य मानता हता। हरिभक्तों में अमदावादना शेठ बलदेवदास, शंकरभाई, बेचरभाई, चुनीलालभाई, सोमचंदभाई आदि तथा सरसपुरना कोठारी ईश्वरदास वगैरह घणा हरिभक्तों तथा विरमगामना डॉक्टर नागरदास अने तेमना भाई मणिलाल तथा वढवाणवाड़ा मास्तर केशवलाल, पाटडीना नागजीभाई, वांसवाना श्यामजीभाई, मांडलना ठक्कर मोतीभाई, रणछोड़भाई, मेराई लवजीभाई आदि, मेड़ाना मोहनभाई, जटाभाई आदि तथा डांगरवाना मिस्त्री दलसुखराम, मणिपराना जीवा पटेल, जवेरभाई आदि तथा जोशीपराना कल्याणदास, खोड़ीदास आदि तथा धरमपुरना जवेरभाई, भावजीभाई आदि तथा कड़ी, करजीसण आदि घणा गामोना हरिभक्तों अने असलालीना जेठाभाई तथा रावसाहेब बालूभाई, वेलालना चतुरभाई तथा कणभावाड़ा आशाभाई तथा पटेल भलाभाई, छोटाभाई, गोदावीना मास्तर जगन्नाथ तथा तेमना दीकरा मणिलाल आदि, मोड़ासरना मास्तर लल्लूभाई तथा रनोड़ा, उपरदल, रेथल आदि नलकंठाना घणा हरिभक्तों सौ बापाश्रीने राजी करवा अति अर्षायमान थका सेवा करता हता। तथा भाल, चरोतर, काठियावाड़, झालावाड़, हालार, कलकत्ता, कटक, जरिया, कराची, सूरत, भरूच, खंभात आदि देशों देशना हरिभक्तों थी वृषपुर में चालवानी जग्याए पण भीड़ थई रही थी। मालणियादना चतुरभाई, वेलशीभाई, जेठाभाई, ईश्वरलाल, प्राणजीवन आदि सवार थी रात सुधी सेवाओं करता। ज्यारे गरबी गवाय त्यारे तेमना हेत सौने देखाई आवता। तेथी बापाश्री पौड्या होय तो जागीने गाता होय त्यां वच्चे आवीने बेसे, प्रशंसा करे, प्रसादी आपे, मळे। ए ज रीते गामो गामना हरिभक्तो पण जुदी जुदी रीते बापाश्रीने राजी करी पोताने कृतार्थ मानता हता। भाईओनो समूह पण ज्यां बापाश्रीना दर्शन थाय त्यां छेटेथी जय स्वामिनारायण करता तथा यज्ञनी सामग्री तैयार करवानी सेवा करी बापाश्रीनी प्रसन्नता मेळवी महाराजने राजी करवा कोई रात के दिवस जोता नहीं। हरिभक्तों कोई थाकने तो गणे ज नहीं। जागृत स्वप्न में एक ज स्थान महाराज तथा बापाश्री अने संत हरिभक्तना दर्शन, कथा कीर्तन तथा पंक्ति टाणे दर्शन, वळी आरती थाय, चौघड़िया वागे, ए सर्वे में पण आनंद ने आनंद। एवी रीते सौ आत्यंतिक मुक्तिना भाग्यवान थता हता। बे दिवस रात्रे पालखी में महाराज ने पधरावी आगळ गामो गामनी मंडळीओ उत्सवनी झींक वगाड़े, आरती वागे, छड़ीदार महाराजाधिराज ने घणी खम्मा एम ऊँचे स्वरे बोले, चमर डोले, शेरीओ में कोई आवे जाए एटली जग्या पण नहीं, सौने हर्ष समाय नहीं, गुलाल उड़े, वच में हेतवाड़ा हरिभक्तों मंडळीओ ने पाणी पाय, कीर्तन में पण हेत उभराय, मारो वालोजी वरताल आव्या, महाराज आज वरताल थी आवशे, माणकीए चढ़्या रे मोहन वनमाळी, लटकाळो लटकंतो रे आवे, एवा जुदा जुदा कीर्तन बोले। ए रीते शेरीए शेरीए पालखी लई जाए, सौ दर्शन करे, श्रीफल तथा रूपामोहर महाराज ने भेंट करे अने चौक वच्चे सलोका बोलाय, एम गाम आखा में फरी पाछा गाजते वाजते सौ मंदिर आवे। मंदिरना बारणे थी मंडळीओ ने कीर्तन बोलता बबे कलाक थई जाए पण एकबीजा थाके नहीं। ए बधा ज्यारे चौक में आवे त्यारे बापाश्री सौने राजी थई प्रसादी आपे। रात्रे वाड़ियों में गामो गामना हरिभक्तों किट्सन लाइटों वच में राखी गरबीओ गाय, केटलीक मंडलीओ उत्सव करे, एकबीजा थाके नहीं, ऊँग उजागरानु तो कोई याद ज न करे, सवारो सवार कीर्तन बोलाय। आ रीते आ यज्ञ में वृषपुर महामोटू धाम बनी गयु होय तेम शोभी रह्यु हतुं। इति बापाश्रीनी वातो भाग बीजो वार्ता 139मी जेते थई।